रावण की लंका में जय श्री राम की गूंज और थर्रा दी पूरी लंका में, कोई एक नहीं बचा जिसके हृदय में भयन समा गया हो महाबली हनुमान का। माता जानकी से कहा कि मैं अभी रावण सहित समस्त इनके महारथियों को बंदी बनाकर आपको पीठ में बैठा लेगा, अभी मिला देता रघुनाथ जी से। पर प्रभु ने आदेश नहीं किया, माँ बस कुछ क्षण आप रुकिए, स्वयं प्रभु आएंगे और उनकी विजय गाथा लोक। जब राम जी के समीप आते हैं और राम जी उनको हाथ पकड़कर अपने समीप बैठाना चाहते हैं कि राम काज करके आ रहे, ऐसे कर गई निकट बैठा, ऐसे तो सकल के चरणों में बैठ जाते। कहते हनुमान, रावण के द्वारा सुरक्षित लंका में प्रवेश पाना, समुद्र लांग जाना, वहां जाकर आग लगा देना और बड़े बड़े निशाचरों का वध, तो उन्होंने कहा नहीं 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 प्रभु नहीं। कह रहे मेरा बल बंदर का बल कितना डार से डालता, ये समुद्र 400 योजन पार करके जा प्रभु, ये तो आपका प्रताप, लंका में जय श्री राम की गूंज विध्वंस मचा दिया, वहां मुझे राम प्रताप दिखाई दे रहा था, कहीं अनुमान नहीं थे।